गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 8th चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. ओके, इस चैप्टर में हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी जिसको हम जीवन के आधारभूत इकाई बोलते हैं. ओके, देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स अराउंड अस इन दिस वर्ल्ड. अगर हम अपने आसपास देखें तो मिलियंस ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं. सम ऑफ देम आर लिविंग, सम आर नॉन लिविंग. ओके, कुछ ऐसी हैं जो लिविंग हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, इंसेक्ट, फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग एट्सेट्रा दैट आर लिविंग थिंग, वाइल सैंड, सॉयल, वाटर, चेयर एट्सेट्रा दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट अलॉन्ग विद नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ, यानी सजीव के साथ निर्जीव भी इस पृथ्वी पर निवास करते हैं. लिविंग थिंग्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट एंड ग्रोथ. जितने भी सजीव जंतु हैं उनके अंदर कुछ बेसिक फंक्शंस होते रहते हैं. वो क्या क्या हैं? दैट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, जो कि बेसिक इनकी फंक्शंस हैं. बिना इसके वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दो नॉन लिविंग थिंग्स में परफॉर्म वन आर मोर ऑफ दीज प्रोसेस लाइक व्हीकल्स कैन मूव, बट इट इज ओनली अ लिविंग थिंग दैट परफॉर्म ऑल एबव फंक्शंस. ओके, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जो इनमें से एक दो वर्क कर सकते हैं, जैसे व्हीकल्स चल सकती हैं. ओके, लेकिन रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, रिप्रोडक्शन ये सभी प्रक्रियाएं वो नहीं परफॉर्म कर सकती. ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग. जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं सभी को लिविंग हम कहते हैं. ऑल दीज ऑर्गेनिज्म लुक डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर. सभी दिखने में एक दूसरे से अलग तो दिखते हैं, फिर भी हाउएवर ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स. सभी एक छोटी यूनिट से बने हैं, छोटी इकाई से बने हैं, एक छोटे पार्ट से बने हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सेल, इट्स पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल. हम पढ़ेंगे कोशिका क्या होती है, सेल क्या होती है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के बारे में, इसके सेल की हिस्ट्री को सबसे पहले समझते हैं कि डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ द सेल. यानी सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ और इसकी पूरी इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे. एंड इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की खोज की थी. ही ऑब्जर्व्ड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर हिज सेल्फ डिजाइन क्रूड माइक्रोस्कोप. उन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था. उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि उसके सामने रख करके जो कॉर्क होता है, यानी पेड़ की जो ऊपर की छाल होती है, उसका जब अध्ययन किया. कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ अ बार्क ऑफ अ ट्री. ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उन्होंने कॉर्क की एक छोटी सी स्लाइस यानी टुकड़े को लिया एंड ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप. फिर उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा? यही जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं. ही नोटिफाइड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस रिजेम्बलिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ हनी कॉम्ब. ओके, तो कैसा दिखाई दिया कि जैसे एक हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसा, ऐसा उन्हें दिखाई दिया. ओके, रॉबर्ट हुक क्वाइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. ओके, रॉबर्ट हुक ने उसकी क्या टर्मिनोलॉजी दिया? उसे सेल का नाम दिया, जिसका लैटिन में जिसका मतलब होता है लिटिल रूम. ओके, रॉबर्ट हुक हैड एक्चुअली सीन द डेड वॉल्स ऑफ द प्लांट सेल. उन्होंने क्या किया था? जो अध्ययन किया था उस पर डेड प्लांट सेल का अध्ययन किया था. दीज सेल्स हैड लॉस्ट देयर लिविंग कंटेंट एंड लुक्ड लाइक लिटिल रूम्स. ये इनकी जो भी लिविंग थिंग्स थी वो सभी नष्ट हो चुकी थी.
इसलिए वो कैसा दिखाई दे रहा था, एक कंपार्टमेंट यानी छोटे से डिब्बे जैसा वो दिखाई देता था। हाउएवर इवन 150 ईयर्स आफ्टर हुक्स डिस्कवरी वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट सेल अंटिल इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स विद अ वेरी हाई मैग्निफिकेशन एंड रिजोल्यूशन वर मेड। ओके, इनकी डिस्कवरी के 150 सालों बाद ये सब चीज़ें, तब उसके बारे में खोज हो सकी कि आखिर सेल का रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये जब जब मैग्नीफाइंड माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जब आए तब उसके बारे में डिस्कवरी की जा सकी। इंस्ट्रूमेंट फॉर स्टडिंग सेल, सेल को अध्ययन करने के लिए उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ये सेल क्या होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते नेकेड आई से बिना किसी माइक्रोस्कोप के। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। Having high magnification compound microscope is commonly used in the science laboratory to observe tiny object. Okay, आज हम इस सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बहुत कुछ जान सक रहे हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को जाता है। ओके, जैसा कि आपके साइंस की लेबोरेटरी में एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप रखा हुआ है, आप उसको देखकर जान सकते हैं। ओके, इट यूजेज ग्लास लेंस एंड विजिबल लाइट। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आईपीस वाले पोर्शन से हम देखने का काम करते हैं। देन बॉडी ट्यूब दिया हुआ है, कोर्स ऑफ एडजस्टमेंट नॉब। देन यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं कि स्लाइड स्टेज है, उस पर स्लाइड रखा हुआ है, फिर उसको सेट करने के लिए स्टेज क्लिप है, उसको दबाकर रखा जाता है ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। ओके, रिफ्लेक्टर है, उस पर प्रॉपर लाइट पड़ता है जिससे कि जो भी ऑब्जेक्ट आप वहाँ रखते हैं वो क्लियरली देख सके। ओके, इट यूजेस ग्लास लेंस एंड विजिबल लाइट फॉर, अब ये क्या, फॉर द ऑब्जर्वेशन, यानी इसमें अध्ययन के लिए क्या चीज़ लगी होती हैं, ग्लास लेंस यानी लेंस लगे होते हैं, और इसके साथ साथ इस पर विजिबल लाइट्स भी पड़ती हैं जिसकी मदद से हम इसे देख पाते हैं। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेंजेस फ्रॉम 100 to 1500 टाइम्स, यानी एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो क्षमता होती है वो लगभग 100 से लेकर के 1500 गुना बड़ा दिखाने का वो प्रयास करता है। अब इस वक्त सबसे इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप दैट इज अवेलेबल, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ वेरी लार्ज इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प्स इन द ऑब्जर्विंग वेरियस इंटरनल पार्ट्स ऑफ द सेल। आज जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी मदद से हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स यानी उसके छोटे से छोटे ऑर्गन को, यानी छोटे से छोटे हम पार्ट को हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। इट यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टेड ऑफ ग्लास लेंस, ग्लास लेंस की जगह पे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की एक जैसे कि लाइट की तरीके से बीम उसका प्रयोग किया जाता है, यानी लाइट के जगह पे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड ऑफ लाइट फॉर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, जैसा कि आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वहाँ पर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, रिफ्लेक्टर मिरर्स की मदद से लाइट को ऑब्जेक्ट के ऊपर डाला जाता है और उसको देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है, और आईपीस की मदद से हम देखते हैं, यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी यहाँ पर लेंस के जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो प्रकाश की, लाइट की जो बीम पड़ रही थी रिफ्लेक्टर की मदद से, वो न होकर के यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बीम डाली जाती है उस पर। ओके, द हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन, यानी स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी हाईली मैग्नीफाइड यानी अधिक से अधिक बड़े से बड़ा उसका एक इमेज बनता है। मैग्निफिकेशन
power of electron microscope is 1 lakh to 5 lakh times. Okay, यानी 1 लाख से लेकर के 5 लाख गुना बड़ा दिखाई देता है. ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा होता है. बाइनोकुलर यहाँ पर लगे हुए हैं. इसके साथ साथ डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं, कंट्रोल पैनल्स हैं, जिसकी मदद से इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज स्टेनिंग. स्टेनिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेल्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस. सेल्स क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ये कलरलेस होते हैं. इसकी वजह से सो दे आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. इसलिए वो माइक्रोस्कोप के नीचे यानी माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं कर सकते. टू ऑब्जर्व द डिटेल्स ऑफ सेल एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेन्स आर यूज. यानी उसको क्लियर करने के लिए हमको स्टेन यानी रंगने की ज़रूरत पड़ती है. सम कॉमनली यूज स्टेन्स आर सैफ्रनिन, इओसिन, मेथेलिन ब्लू एंड क्रिस्टल वायलेट. ये सभी क्या होते हैं, ये स्टेनिंग ये रिएजेंट्स होते हैं, स्टेनिंग रिएजेंट, जिनकी मदद से हम उसको कलर करके और भी क्लियर रूप से देख सकते हैं. यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. आइए जानते हैं कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर अवेलेबल हैं. द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मेनी सेल्स. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो वन एक सेल से बने हैं या तो कई सेल से बने हैं. ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे जीवधारी जो एक सिंगल सेल से बने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, that are known as unicellular organism. For example, that is amoeba, paramecium, euglena, bacteria, yeast are few example. Okay? और इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं और इनके बारे में और कुछ डिटेल जान लेते हैं. Unicellular organism, a single cell of these organisms behave like a complete organism. मतलब एक ही सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का बिहेव करता है. All the basic functions of a living being like digestion, respiration, excretion, reproduction are performed by the single cell. एक ही सिंगल सेल सारे काम को पूर्ण करता है, जिसमें एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन या डाइजेशन, सभी काम को एक अकेला सेल ही करता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा, एन अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इट परफॉर्म ऑल द फंक्शन लाइक टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जैसा कि आप अमीबा के बारे में यहाँ पर समझ सकते हैं कि अमीबा में एक ही सेल सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ओके, नाउ अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ऐसे जीवधारी जो एक से अधिक सेल से बने हों उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट वी सी अराउंड अस आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, हम अपने आसपास जितने भी जीवधारी को देखते हैं उसमें से मैक्सिमम सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. मतलब वो कई सेल से मिलकर बने हैं. जैसे ट्रीज, ग्रास, इंसेक्ट, काउज, बर्ड्स एंड ह्यूमंस आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यानी कि आप अपने आसपास जितने भी जीवधारी जैसे डिफरेंट ट्रीज, काउ, बर्ड्स, इनको देखते हैं, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिगिन देयर लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग. यानी सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल से उनका जीवन स्टार्ट होता है, जिसे हम एग सेल यानी जाइगोट बोलते हैं. एक फर्टिलाइज्ड एग को हम जाइगोट बोलते हैं. द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज एज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोसीड. ओके, इसके साथ साथ क्या होता है कि एक सिंगल सेल मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है. सबसे पहले उसमें क्या हो जाता है, जो एक सेल है ये डिप्लॉयड होता है, यानी उसकी संख्या हमेशा द्विगुणित होते जाती है, बढ़ते जाती है. 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और यानी इतना होने के बाद अब डिफरेंट उसके इंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्सोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म बनते हैं. उसके बाद क्रमशः
डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गेनल्स बनना ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं. ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन बींग इन ह्यूमन बींग सोज डिविज़न ऑफ लेबर. यानी इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम में यानी ह्यूमन बींग को लेकर के अगर समझा जाए तो इनके डिफरेंट ऑर्गन का अलग अलग डिविज़न ऑफ लेबर है, मतलब सबका अलग अलग काम है. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है रेस्पिरेशन को रेस्पिरेशन वर्कआउट करना, इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्क है डाइजेशन करना. यानी यहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिविज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है. इट मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी हैज़ अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड हर्ट टू पम्प द ब्लड, बोन एंड मसल्स टू परफॉर्म मूवमेंट एंड सो ऑन. ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको क्लियर किया लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, आइए देखते हैं कि किस तरीके से सेल का कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ है. ओके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो सबसे लोएस्ट उनका जो लोएस्ट लेवल है ऑर्गेनिज्म का वो उनका सेल है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन ज्वाइंट टूगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर वो एक जो कि एक स्पेसिफिक वर्क करते हैं उसे हम टिश्यू बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑल स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू. यानी हमारे जो स्किन है वो किसकी बनी हुई है, इपिथेलियल टिश्यू की बनी है. डिफरेंट टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर, अब टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं और ये जुड़कर क्या बना लेते हैं, ये ऑर्गन बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टमक लीवर पैंक्रियाज, एवरी ऑर्गन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. यानी हर एक ऑर्गन एक विशेष कार्य करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल, स्टमक हेल्प इन डाइजेशन. ओके, एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टमक के बारे में समझें तो वो उसका काम होता है डाइजेशन. एंड पैंक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस. जैसा कि आप जानते हैं पैंक्रियाज का वर्क होता है डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करना, जिसकी मदद से डाइजेशन होता है. एंड प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक रूट लीव्स एंड स्टेम. अब प्लांट्स में भी डिफरेंट उसके पार्ट्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है. ओके, जैसा कि आप जानते हैं ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शंस फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. ओके, अब सभी ऑर्गन मिल करके एक स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक जीवधारी की एक जीवन प्रक्रिया को चलाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, ईसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लीवर पैंक्रियाज आर ऑल ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डाइजेस्ट फूड. ये सभी एक साथ मिलकर के क्या काम करते हैं, ये डाइजेशन को परफॉर्म करते हैं. हेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से वो क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. सिमिलरली रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सक्रेटरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन. यानी जो ये डिफरेंट आपके सिस्टम है ये सेट्स ऑफ ऑर्गन से मिलकर बने हैं, ये अकेले नहीं है, इसमें कई ऑर्गन से मिलकर के ये ऑर्गन सिस्टम बनता है. ओके, एंड दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेस. और ये सभी मिलकर के जीवन की प्रक्रियाओं को चलाते हैं, मतलब हमें जीवित रखने में मदद करते हैं. द वेरियस ऑर्गन सिस्टम मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, सभी ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक जीवधारी का निर्माण करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल शेप एंड साइज. सेल के शेप और साइज के बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ सेल शेप एंड साइज. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. ओके, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं. ओके, सेल्स शो वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ देयर शेप्स एंड साइज. और इनकी इनकी शेप और साइज भी अलग अलग होती है. द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाई ऑर्गेनिजम्स एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन
द साइज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट जो सेल्स होते हैं उनकी शेप और साइज ऑर्गेनिज्म के यानी जीवधारी की साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वह फंक्शन पर डिपेंड करता है। यानी फंक्शन के आधार पर सेल की साइज डिफाइंड होती है, ना कि उसकी आकृति पर। ओके, आइए अब जानते हैं सेल शेप। सेल्स शो अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप्स सच एज स्फेरिकल, यानी डिफरेंट टाइप्स के अगर हम सेल्स के बारे में अध्ययन करें तो कुछ सेल्स एग सेल्स दैट आर स्फेरिकल, स्पिंडल शेप, कुछ तो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं जैसे स्मूथ मसल फाइबर सेल्स, कुछ इलांगेटेड होते हैं दैट आर नर्व सेल्स, एंड ओवल सेल्स दैट आर रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल्स वो कैसे होते हैं, ओवल होते हैं। देन ब्रांच्ड, ये ऑस्टियोसाइट्स, ये ब्रांच जो होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग सेल्स की अपनी अलग अलग शेप और साइज होती है। सम सेल्स मे नॉट हैव अ डेफिनेट सेल्स डेफिनेट शेप, यानी कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनकी एक परफेक्ट साइज नहीं होती है, वो उनका साइज हमेशा बनते बिगड़ते रहता है। दे कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप एंड साइज, वो अपनी साइज को हमेशा अपने शेप को बदलते रहते हैं, जैसा कि अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स दैट इज WBC। द शेप ऑफ द सेल्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज़ परफॉर्म्ड। ओके, सेल का जो शेप होता है उसके द्वारा किए गए कार्य पर निर्भर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज़ वायर लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट ऑफ इट। अगर हम नर्व सेल के बारे में अध्ययन करें तो वो लॉन्ग होता है और उसमें वायर के तरीके से स्ट्रक्चर उसका बना होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका नर्व सेल्स। ओके, इसके साथ साथ नर्व सेल कैरी मैसेजेस एंड सेंड देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनका काम क्या होता है, डिफरेंट मैसेजेस आपके बॉडी से हर एक पार्ट तक पहुंचाना, ये इनका काम है। मसल सेल्स एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट। ओके, मसल सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है, फैलना और सिकुड़ना, तभी हम चल पाते हैं। देयर लॉन्ग एंड थिन शेप हेल्प्स देम टू डू सो, इनकी लंबी जो स्ट्रक्चर होती है इसी के कारण वो फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। ऑल द सेल कंपोनेंट्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, यानी सभी जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन में बंधे होते हैं। दैट प्रोवाइड शेप टू एवरी प्लांट एंड प्लांट सेल, और इस तरीके से बंधे होने के कारण ये सभी प्लांट और एनिमल को एक शेप यानी एक आकृति प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अबाउट सेल साइज। अभी तो आपने शेप के बारे में पढ़ा कि राउंडेड है, इलांगेटेड है, डिफरेंट आपने स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा। अब आइए देखते हैं सेल की साइज क्या है। ओके, द सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स आर मेजर्ड बाय द फ्रैक्शंस ऑफ अ मिलीमीटर। ओके, 1000 ऑफ अ मिलीमीटर इज कॉल्ड अ माइक्रोन आर माइक्रोमीटर, यानी एक मिलीमीटर के हजारवें भाग को हम क्या बोलते हैं, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर बोलते हैं। वन माइक्रोमीटर आर वन माइक्रोन इक्वल टू 10^-3 मिलीमीटर। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, मैक्सिमम सेल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, इतने छोटे होते हैं कि हमारी आँखों से दिखाई नहीं दे सकते जब तक हम माइक्रोस्कोप का उपयोग न करें। दे नीड टू बी इनलार्ज्ड, यानी उनको देखने के लिए हमको उनको क्या करना पड़ेगा, उनको बड़ा करना पड़ेगा, और बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर मैग्नीफाइड बाई अ माइक्रोस्कोप टू बी सीन, और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा। द साइज ऑफ सेल्स वेरीज फ्रॉम द वेरी स्मॉल सेल्स ऑफ बैक्टीरिया टू, यानी बैक्टीरिया का सबसे अगर हम छोटा अगर साइज देखें तो ये बैक्टीरिया में 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, टू वेरी लार्ज एग
ऑफ ऑस्ट्रिच। अब ये तो आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, अब ऑस्ट्रिच का जो एग सेल होता है ये भी एक क्या होता है, एक सेल होता है, ये सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे छोटा किसका होता है, बैक्टीरिया का, और सबसे बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग, दैट इज 170 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 130 मिलीमीटर, ओके, यानी 170 मिलीमीटर से लेकर के 170 मिलीमीटर बाई 130 mm, यही इसकी साइज होती है। इन आवर बॉडी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर, आर द स्मॉलेस्ट, एंड नर्व सेल्स दैट आर अबाउट 100 सेंटीमीटर, यानी नर्व सेल्स की जो साइज होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, आर द लॉन्गेस्ट सेल्स, यानी सबसे लॉन्गेस्ट अगर सेल की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, दैट इज योर नर्व सेल्स, ओके। द एल्गा एसिटाबुलेरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल, यानी एसिटाबुलेरिया जो एल्गी होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये केवल एक सेल से बना होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल हैविंग लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी इसके सेल की साइज जो होती है वो 10 सेंटीमीटर की होती है। द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशन विद द बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी सेल की साइज का ऑर्गेनिज्म की साइज से कोई मतलब नहीं है, मतलब यानी ऐसा नहीं है कि एक चूहे की साइज का, चूहे के अंदर का जो सेल होगा वो बहुत छोटा होगा और एक एलिफेंट का जो सेल होगा वो बहुत बड़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं, वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, ओके। दीज सेल्स आर वेरी बिग एनिमल इज नॉट बिगर देन द सेल्स ऑफ अ स्मॉल एनिमल दैट इज रैट, ओके। द साइज ऑफ अ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शंस, ओके, ये किससे संबंधित होता है, ये उनकी क्रिया, उनके वर्क के आधार पर ये डिसाइडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल द नर्व सेल्स ऑफ बोथ रैट एंड एलिफेंट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ओके, अगर नर्व सेल के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो दोनों में बड़ा होता है, ओके, चाहे रैट का आप अध्ययन कीजिए चाहे एलिफेंट का, दोनों का बड़ा होता है और इसके साथ साथ ब्रांच्ड होता है, दैट परफॉर्म सेम फंक्शन ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, और दोनों का काम एक ही होता है, यानी मैसेजेस पहुंचाना कि हमारे किस बॉडी पार्ट में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर किस हार्मोन, किसकी एंजाइम, किसकी ज़रूरत है, कहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, कहाँ पर आपको कोई डिफरेंट टाइप का कोई एनिमल बाइटिंग कर रहा है, सपोज दैट कि कोई आपको सिंपली जैसे कि हम समझ सकते हैं मॉस्क्यूटो आपको बाइट कर रहा है, ये भी हर एक थिंग्स को वो क्लियर करता है। नाउ पार्ट्स ऑफ द सेल, आइए पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में बात करते हैं कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेल डिफर इन देयर शेप एंड साइज, अभी हमने पढ़ा है कि सेल का शेप और साइज डिफर होता है। ऑल सेल्स हाउएवर शो सम सिमिलैरिटी इन देयर स्ट्रक्चर, सभी सेल एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, यानी अगर देखा जाए तो जनरली एक जो सेल होता है उसके तीन मुख्य भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री हो गई, साइटोप्लाज्म लिक्विड हो गया, न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करने वाली इंटरनल बॉडी हो गई, ओके। नाउ अबाउट सेल मेम्ब्रेन, आइए जानते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, ओके स्टूडेंट्स। एवरी सेल इज बाउंडेड बाई अ थिन डेलिकेट मेम्ब्रेन, यानी अगर हर एक सेल के बारे में अगर हम अध्ययन करें तो ये एक पतले से मेम्ब्रेन के द्वारा ये ढका गया होता है, मतलब ये चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। एक अगर सेल है तो सेल के चारों तरफ एक बाउंड्री होगी जिससे वह उसके जो मैटर, उसके अंदर जो लिक्विड और जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सभी अंदर बंधे होते हैं, ओके। फंक्शंस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सेलेक्टेड सब्सटेंसेस, ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पोरस होता है, यानी इसमें बहुत ही पतले छिद्र पाए जाते हैं जिनका काम ये होता है
कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को अंदर आने और बाहर जाने के लिए मदद करना। दस इट इज कॉल्ड एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी मटेरियल को अंदर या बाहर नहीं जाने देगा, केवल सेलेक्टेड थिंग्स को ही अंदर या बाहर आने जाने देगा। ओके, इस कारण से इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स एन आउटर बाउंड्री टू द सेल, ओके, टू सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ओके, ये जो बाउंड्री होती है इसका काम क्या है, सेल को, एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करना और सेल के अंदर जो डिफरेंट इसके साथ साथ आसपास का जो मीडियम है उससे भी इसको अलग करना। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। इसके साथ साथ ये कोशिका के अंदर जो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें चोट लगने से उन्हें बचाता है। इन एडिशन द प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस वॉल इज कॉल्ड सेल वॉल। यानी ये द प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक ऐसी कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। यह प्लांट सेल को क्या देता है, रिजिडिटी यानी मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ये केवल किस में पाया जाता है, दैट इज फाउंड इन प्लांट सेल्स। ओके, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ हाई स्पीड एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। इसका काम ये होता है कि डिफरेंट जो तापमान में जो परिवर्तन हो रहा है, तेज हवा चल रही है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कम या अधिक हो रहा है, इससे यह प्लांट जो सेल्स होती हैं सेल्स को ये बचाने का काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड पार्ट, अभी हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज अ थिक जेली लाइक फ्लूड इनसाइड द सेल बाउंड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो गाढ़ा जेली लाइक फ्लूड यानी तरल पदार्थ यानी लिक्विड होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ का स्पेस फुलफिल करना। ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर सभी केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। दीज देयर आर मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में डिफरेंट साइटोप्लाज्मिक बॉडीज भी सस्पेंडेड रहती हैं, मतलब वो तैरते रहती हैं उसमें। दीज आर, ये कौन कौन से हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी इसमें भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिफरेंट इसके जो पार्ट्स हैं सेल के ये तैरते रहते हैं। दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इनका काम क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ अबाउट न्यूक्लियस, पहले हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल को पढ़ लें, फिर उसके बाद हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, ओके, न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी के लिए ब्रेन वर्क करता है, कंप्यूटर के लिए CPU वर्क करता है, सेम एज इट इज़ ये सेल की कंट्रोलिंग यूनिट होती है। बिना इसके सेल में कोई भी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं परफॉर्म हो पाएगी, पूरा सेल डैमेज हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियस इज अ लार्ज एंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। यानी सभी सेल में ये कैसा होता है, ये बड़ा और स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसका होता है। ओके, आफ्टर स्टैनिंग इट कैन बी ईजिली सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। हम अगर इसको स्टेन कर दें यानी अगर हम कलर कर देते हैं तो हम इजीली उसे देख पाते हैं उसको। ओके, इन एनिमल सेल्स न्यूक्लियस लाइज
एट द सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेल के मध्य में ये पाया जाता है, किस में, एनिमल्स में। वेयर एज इन प्लांट सेल इट इज़ प्रेजेंट इन पेरीफेरी ऑफ द सेल, ओके, लेकिन प्लांट सेल में ये कहाँ पाया जाता है, ये पेरीफेरी पर पाया जाता है, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल। आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत ही बड़े होते हैं, इसके कारण ये पेरीफेरी पर न्यूक्लियस पाया जाता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब आइए, न्यूक्लियस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसके कुल मिलाकर 4 पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जिससे वो साइटोप्लाज्म से अलग होता है, उस बाउंड्री को, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस, ये भी पोरस होता है, और अलाउज द मोमेंट ऑफ सम सेलेक्टेड मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ सेलेक्टेड मटीरियल्स होते हैं, न्यूक्लियस का जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसको अंदर या बाहर आने जाने में ये मदद करता है, ओके। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म, आइए न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। अ डेंस फ्लूड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूड यानी एक तरल पदार्थ यानी लिक्विड पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोलस। इट इज अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसके अंदर इट इज रिच इन आरएनए, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, दैट इज आरएनए, जिसको हम राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज फोर्थ, दैट इज क्रोमोसोम्स, ओके, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाया जाता है। सम फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक फाइन थ्रेड लाइक यानी धागे जैसी संरचना जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तैरते रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसको क्रोमेटिन फाइबर्स बोलते हैं। इन द डिवाइडिंग न्यूक्लियस द क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स। एक डिवाइडिंग सेल जब होता है, जब सेल डिवाइड होने की दशा में होता है, तो उस समय क्या होता है कि जो आपका क्रोमेटिन फाइबर होता है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब वो घना होने लगता है और वह क्रोमोसोम की संरचना कर लेता है। ड्यू टू दिस क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। जब एक सेल डिवीजन कर रहा होता है, मतलब जब वो बढ़ता रहता है, एक और सेल का स्ट्रक्चर बनते रहता है, तभी उसमें हम क्रोमोसोम्स को देख पाते हैं, ओके। दीज क्रोमोसोम्स, अब इनका काम क्या है ये जान लेते हैं। दीज क्रोमोसोम्स कैरी जीन, इन पर जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स क्या होते हैं, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द ऑर्गेनिजम्स। जीन का काम होता है हमारे फादर और मदर से जो कैरेक्टर, जो गुण हमें प्राप्त हुए हैं, उसको कैरी करने का काम क्या होता है, ये काम जीन करता है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जीन्स का काम हुआ जो मदर और फादर से जो कैरेक्टर्स हैं उनको ऑफस्प्रिंग यानी बच्चे को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। अ चाइल्ड रिसीव्स वन कॉपी ऑफ ईच जीन फ्रॉम द मदर एंड अनदर कॉपी ऑफ द सेम जीन फ्रॉम द फादर, यानी एक कॉपी किससे मिली होती है, मदर से, और दूसरी फादर से, और इस तरीके से जीन्स में कैरेक्टर्स आपके कम्प्लीटली फिटेड होते हैं, और एक एज के बाद सेम कैरेक्टर सेम तरीके से आप अपने माता पिता की तरह दिखने लगते हैं, ओके। जैसे सपोज दैट आपकी मदर की आईज ब्राउन है तो आपकी भी आईज ब्राउन होंगी, अगर आपके हेयर कर्ली हैं तो ये आपके हेयर भी कर्ली दिखते हैं। ये क्यों है, ड्यू टू दिस क्वालिटी, दिस
जीन्स, ओके, जीन्स के कारण ही ऐसा है, क्योंकि ओके स्टूडेंट्स, फंक्शंस, आइए इसका फंक्शन जान लेते हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, सेल की हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ओके, फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, यानी इसका काम क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर को बच्चों तक पहुंचाने का काम करता है। इफ अ पर्सन हैज़ ब्राउन आईज, हिज सन और डॉटर मे हैव ऑल्सो ब्राउन आईज, ओके, अगर किसी पेरेंट की, जिसमें फादर या मदर की किसी की आईज ब्राउन है, तो उसके सन या डॉटर में से किसी की या तो दोनों की आंखें ब्राउन हो सकती हैं। वेन अ वुमन हैव कर्ली हेयर, ओके, कर्ली हेयर है, हर सन और डॉटर में हैव कर्ली हेयर, हाउएवर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। अब देखिए यहाँ पर जीन्स की एक अलग कॉम्बिनेशन होती है, उस कॉम्बिनेशन के आधार पर पेरेंट्स की जो कैरेक्टर्स होती हैं वो हमारे जो भी हमारे अंदर हैं वो शो आउट होती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सेल ऑर्गेनेल्स, ओके। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ही छोटी छोटी संरचनाएं उपलब्ध होती हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ओके। डिफरेंट टाइप्स के जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सबका अलग अलग वर्क होता है, ओके। आइए सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये आपको नाइन्थ में भी बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करेगा, बहुत ही ये आपको हेल्प करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया का सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियान, ओके। दीज आर, यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर की बात कही गई इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास किया कि माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज योर प्लूरल वर्ड, लेकिन इसका सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके। दीज आर स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल्स, ओके। इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये रॉड लाइक दिखने में होती हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑल एक्टिविटीज, इनका काम क्या होता है, सेल को हर एक एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ओके। ये फूड के ऑक्सीडेशन के कारण ये एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं, ओके। दस दे आर ऑफन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इनको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है, ओके। नाउ वैक्यूल्स, दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। सैक समझ रहे हैं, ओके, गनी बैग की तरीके से ये दिखने में होते हैं। इन प्लांट्स जनरली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट, ओके। प्लांट्स में केवल एक होता है और वो भी बड़ी आकृति का होता है, बड़ा होता है, ओके। एनिमल सेल्स ऑफन लैक वैक्यूल्स, ओके, जबकि एनिमल सेल में मोस्टली वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, बट इफ़ दे आर प्रेजेंट दे आर स्मॉल एंड अ फ्यू इन नंबर्स, अगर ये उपस्थित होते भी हैं तो इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। वैक्यूल्स स्टोर सॉल्युबल फूड वेस्ट एंड सिक्रीशन ऑफ द सेल्स, वैक्यूल का काम क्या होता है, सॉल्युबल फूड को और वेस्ट मटेरियल को क्या करना, स्टोर करने का काम होता है। दैट आर डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म सेल सैप, और इस तरीके से ये डिजॉल्व होकर के ये सेल सैप भी बनाने का काम करते हैं, ओके। नाउ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबल्स, ओके। इसमें डिफरेंट छोटी छोटी पतली पतली चैनल्स और इसके साथ साथ ट्यूब लाइक यानी ट्यूब तरीके के ट्यूब के आकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं, एंड इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट्स हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। इनका काम क्या होता है, इनका वर्क होता है हार्मोन्स प्रोटीन्स
यानी सेल्स के जो प्रोडक्ट हैं इसका सिंथेसिस करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करने का काम करना, यानी सेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करना, उनको बनाना, उनको संचित करके रखना, एक जगह स्टोर करना, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, दैट इज रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एबसेंट इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं पाए जाते हैं। ओके, आइए अब राइबोसोम्स के बारे में जानते हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, ये ग्लैंड के तरीके से स्ट्रक्चर इनकी होती है और ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, मतलब ये कहीं जगह नहीं पाए जाते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं। दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना, यानी प्रोटीन बनाने का काम करना। नाउ अबाउट गॉल्जी बॉडीज। ओके, गॉल्जी बॉडी क्या होते हैं, या इसी को हम गॉल्जी अपरेटस भी बोलते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबल्स, ये ट्यूब्स के बने होते हैं, डिफरेंट वेसिकल्स होती हैं, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एंजाइम, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। गॉल्जी बॉडीज का भी वर्क होता है डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स सब्सटेंसेस जैसे एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन का सिक्रेशन करना। इन प्लांट्स गॉल्जी बॉडीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। ओके, प्लांट सेल्स में गॉल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, इसको आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या है, दैट इज प्लांट सेल। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम रख करके अध्ययन करते हैं तो ये दिखाई देता है। अभी जैसा कि हम आपको यहाँ पर ये सामने दिखाई दे रहा है, देखिए इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोग अप साइड से चलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आउटर साइड में दैट इज योर सेल वॉल, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आफ्टर राइबोसोम्स, ओके दैट आर स्कैटर्ड, देन क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल आउटर कवरिंग में है, देन ये माइटोकांड्रिया दिखाई दे रहा है, वैकुल जो बहुत बड़े साइज का दिखाई दे रहा है, देन डिक्टियोसोम्स। ओके, ये भी गॉल्जी बॉडी इसको बोलते हैं, प्लांट सेल में गॉल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम बोलते हैं जैसा कि अभी आपने पढ़ा, देन सेल सैप जो आपका ये वैकुल है, वैकुल के अंदर सेल सैप यानी लिक्विड लिक्विड होता है जिसको सेल सैप बोलते हैं। ओके, देन आफ्टर साइटोप्लाज्म, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन आफ्टर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन फाइबर्स, देन न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियर पोर्स आर हियर, एंड देन न्यूक्लियर इनवेलप। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज योर अबाउट दैट इज योर एनिमल सेल। ओके, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अंतर देख लीजिए, सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल चारों तरफ प्रेजेंट है जबकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ देखिए स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, लाइजोसोम्स, ओके देन सेंट्रोसोम, देन आफ्टर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, माइटोकांड्रिया, देन राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड गॉल्जी बॉडीज, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनका वर्क क्या होता है? द लाइजोसोम्स दे डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स दैट इंटर सेल। ओके, जो भी फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आते हैं उसे ये नष्ट करने का काम करते हैं। लाइजोसोम्स आर वेल नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल इफ सेल गेट्स डैमेज। ओके, इनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, जब सेल
सेल क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो ये कंप्लीट सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ओके, नाउ अबाउट प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टिड्स दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ये प्लास्टिड जो होते हैं ये केवल प्लांट सेल में ही उपलब्ध होते हैं। कैसे, क्यों, क्या हम कभी नीले पीले हरे काले हरे दिखाई देते हैं? नहीं, इसलिए यह इसका मतलब हुआ, इसका काम क्या होता है, उनको कलर प्रदान करना प्लांट्स को, और हम तो नीले पीले हरे लाल दिखाई तो देते नहीं हैं। ओके, प्लास्टिड दीज आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स contain certain pigment that have a specific role to play in the functioning of plants. Okay, ये जो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और प्लास्टिड का अपना एक कलर होता है जिसकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। दैट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये ग्रीन प्लास्टिड इनको बोलते हैं, यानी ये हरे कलर के होते हैं। दीज कंटेन क्लोरोफिल। ओके, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस में मदद करना। नाउ क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट ये नॉन ग्रीन पिगमेंट होते हैं, मतलब ये ग्रीन नहीं दिखाई देते हैं। दैट गिव कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट। इसी के कारण फल और फूल में कलर, फल और फूल को कलर प्रोवाइडिंग होता है। किसकी कारण से? क्रोमोप्लास्ट के कारण। नाउ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स दैट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड स्टोरेज करना। ओके, नाउ अबाउट सेंट्रोसोम। आइए देखते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है। ओके, सेंट्रोसोम इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। इट इज इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन एंड इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। ओके, ये सेंट्रोसोम जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये केवल एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। इनका काम क्या होता है? सेल डिवीजन करने में मदद करना होता है। ओके, नाउ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट। कंप्रहेंशन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। आइए पहले हम कंपरेटिव स्टडी कर लेते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। आइए दैट इज साइज, साइज के बारे में बात करते हैं। प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज विद डिस्टिंक्ट आउटलाइंस। ओके, प्लांट सेल की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। ओके, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर देन द प्लांट सेल। ओके, प्लांट सेल्स के तुलना में एनिमल सेल्स क्या होते हैं? ये छोटे होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन दैट इज योर प्लांट सेल, एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, नाउ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल, अभी आपने पढ़ा है, और प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं एनिमल सेल्स में। वैकुल्स बड़े होते हैं। अ लार्ज वैकुल इज फाउंड इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एंड इट फिल्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल। ओके, सेल के मैक्सिमम पार्ट को फिल कर देता है। वैकुल्स ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, या तो ये बहुत, अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। गॉल्जी अपरेटस आर डिक्टियोसोम्स इन प्लांट्स। मेनी डिक्टियोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ओके, प्लांट सेल में के साइटोप्लाज्म में डिक्टियोसोम्स संख्या कई होती है, और ये स्कैटर्ड होते हैं, और हैव वेल डेवलप्ड गॉल्जी अपरेटस दैट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ओके, इनका जो गॉल्जी बॉडी की बात जैसा कि हम कर रहे हैं एनिमल सेल में, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, और ये न्यूक्लियस के करीब, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते हैं। नाउ अबाउट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन एनिमल प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। ओके, नाउ अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आइए इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल्स
have been classified into two types, that is prokaryotic cells and eukaryotic cells. यानी सेल्स मेनली दो प्रकार इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनकी संरचना के आधार पर. प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. ओके, प्रोकैरियोटिक का हिंदी हुआ आपका प्रिमिटिव, मतलब जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस अवेलेबल होता है. द सेल्स दैट डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. ओके, ऐसा सेल जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस उपलब्ध नहीं होता है. ओके, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, ऐसा सेल जिसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जिसमें सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाया जाता हो, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. मतलब अगर सीधे सीधे समझने का प्रयास करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस क्लियर रूप से दिखाई नहीं देते हैं, स्पष्ट रूप से वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखाई देते हैं. दीज सेल्स हैव लैक द यूनिस द सेलुलर ऑर्गेनेल्स. ओके, इन सेल में क्या नहीं पाए जाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकांडिया. यानी इन सेल के अंदर न तो माइटोकांडिया दिखाई देगा आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, ये उपलब्ध नहीं होते हैं. ओके, द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड ऑफ सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. और इस ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल इसके उदाहरण क्या हैं, दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. आप जैसा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सेल वॉल अवेलेबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मटेरियल अवेलेबल है, राइबोसोम्स एंड फ्लैजेला साइटोप्लाज्म. लेकिन न्यूक्लियस इसमें कंफर्म रूप से आप उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ अबाउट आवर लास्ट पॉइंट, दैट इज यूकैरियोटिक सेल. द सेल्स, ओके, ग्रीक वर्ड यू मीन्स ट्रू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, उसे हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं. द सेल्स दैट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स. मतलब ऐसे सेल जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ न्यूक्लियस पाया जाता हो, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं. ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव यूकैरियोटिक सेल. सभी ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा, हैव यूकैरियोटिक सेल्स. यानी अगर बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम उनकी सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स में रखते हैं. हेंस दे आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स. इसलिए हम इन्हें यूकैरियोट्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए, दैट इज योर प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोआ, एटसेट्रा. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर. थैंक यू.